आज है मंगलवार और जैसे कि आपको पता होगा मंगलवार के दिन लगते हैं बलरामपुर मार्केट, तो आज हम आ चुके हैं बलरामपुर मार्केट और अभी हम गुजर रहे हैं बेल मार्केट के साइड से। आज हम आ चुके हैं बकरी मंडी पर और आज हमें खरीदना है एक बकरी। तो अगर आप सबको जानना है हम कैसे बकरी खरीदते हैं तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी हम घूम रहे हैं रोड के साइड, तभी हमें एक बकरी नजर आती है। भैया एक बकरी देख रहे हैं, देखते हैं। खैर बकरी तो उतना भी अच्छा नहीं था इसलिए हम मार्केट के अंदर जाने लगते हैं। फिर मैंने भैया से पूछा आपको कैसे बकरी चाहिए, तो भैया ने बोला कि भैया बोल रहे थोड़ा सा मीडियम साइज का और अच्छा भी लगे, तो देखते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है इसीलिए मतलब समस्या होता है यार खरीदने में बेचने में। फिर हम घूमने लगते हैं, तभी घूमते घूमते हमें दो काफी अच्छे अच्छे बकरे भी मिल जाते हैं। लोग इन बकरे के सिंग चेक कर सकते कितना बड़ा बड़ा है। खैर हमें तो बकरे नहीं लेना था इसीलिए हम मार्केट के अंदर बकरियों के तलाश में घूमने लगते हैं, तभी हमें तीन बकरियां नजर आती है। दोस्तों अभी भैया जो ये वाला बकरी देख रहा है, देखते हैं इसी टाइप का हम लोग एक्चुअली लेना है। फिर भैया इन बकरियों को उम्र वगैरह चेक करके रेट वगैरह पूछ के हम निकल जाते हैं किसी दूसरे बकरियों को तलाश में। इधर ना दोस्तों आप लोगों को बकरी दिखेगा जो कि पाइकर लोगों का, शायद ये लोग खरीद के अभी रखे हैं, पता नहीं इधर दूर जगह लेके जाने वाला है शायद। ये सब बकरियां दोस्तों सब बाहर जाता है, जो गाड़ी होती है लोड होता है सब जाते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों इस टाइप का बकरा एक बार हम लोगों ने खरीदा था वो वाला जो पहले हाँ लिया था, तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेकिन ज्यादा केयर करने से ठीक जाता है। फिर मैं भैया से बोलता चलो उन बकरियों के पास चलते, फिर भैया ने कुछ ऐसा बोला पहले एक बकरी देख लेते। तभी हम एक पाइकर के पास पहुंचते हैं और इस पाइकर के पास दो काफी अच्छे अच्छे बकरिये थे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बकरी ले, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। हमारे हिसाब से तो ये दोनों बकरी सेम था लेकिन पता नहीं किसका कितना प्राइस है। ये दोनों बकरी दोस्तों एक ही लेवल का है लेकिन होता है ना जो ज्यादा होता है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बंदा कौन सा ले कौन सा नहीं। 5,500 इसका प्राइस हो रहा है यार। दोस्तों अभी जो हम बकरी देख रहे थे पाइकर लोग सर, पाइकर लोग बहुत ही मतलब समझ रहे। जब हम पहले देख रहे थे उसका थोड़ा सा कम था, पहले वाला ले जो देख रहे हैं। फिर मैं और भैया सोचते हैं कि इस पाइकर के पास एक बकरी लिया जाए। जब हम इस पाइकर के पास आते हैं ये जो अंकल दिख रहे हैं एक ब्रोकर है और ये हमें फंसाने के चक्कर में था लेकिन हम इसको बातों में नहीं आते हैं। दोस्तों आप लोग एक हस्सी चेक कर सकते हैं कितना तगड़ा है। दोस्तों हमें लगा था एक हस्सी है लेकिन ये तो बकरी है। दोस्तों जब हम लोग बकरी लेते हैं तो थन वगैरह चेक कर लेते हैं, चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। और वही बकरी है जो हम पहले देख रहे थे। फिर मैंने और भैया ने सोच लिया हमें तो यही बकरी खरीदना है। फिर हम फाइनल करके इसी बकरी को खरीद लिया काफी अच्छे खासे प्राइस में। दोस्तों भैया अभी क्या रस्सी लाने के लिए, क्योंकि बकरी खरीदने के बाद रस्सी कोई नहीं रहता, रस्सी बाद में काटना पड़ता है। रस्सी लाने के बाद भैया चले गए टिकट काटाने के लिए। फिर हम बकरी को लोड करके घर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों रास्ते में हो रहा था थोड़ा बहुत बारिश इसलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पर रुके, रुकना तो पड़े।